गुजरात में दलितों की आवाज बनकर उभरे दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी ने चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है। पीएम मोदी को बूढ़ा बताते हुए जिग्नेश मेवाड़ी ने कहा कि पीएम बूढ़े हो चुके हैं, अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। जिग्नेश के इसी बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। गुजरात चुनाव तो खत्म हो गया लेकिन नेताओं की बयानबाजी जारी है। एक टीवी कार्यक्रम के दौरान जिग्नेश मेवाड़ी ने बीजेपी के साथ ही पीएम पर जोरदार हमला बोला। दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी ने कहा कि पीएम मोदी अब बूढ़े हो गए हैं, वह अपने पुराने बोरिंग भाषण लोगों को सुना रहे हैं, उन्हें अब ब्रेक लेना चाहिए और रिटायर हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं, मेवाड़ी ने कहा कि अब लोगों को मोदी पर नहीं बल्कि हार्दिक अल्पेश कन्हैया कुमार पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में दलित समाज के लोग बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। मेवाड़ी ने कहा कि चुनाव में भले ही बीजेपी जीती हो लेकिन हमारी नैतिक जीत हुई है। जिग्नेश ने कहा कि मोदी जी को हिमालय पर चले जाना चाहिए और वहां जाकर हड्डियां गलाना चाहिए। वहीं जिग्नेश के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये संगत का असर है, जो जिसकी संगत में रहता है उसकी बुद्धि वैसी ही होती है। यहां नकवी का इशारा साफ तौर पर कांग्रेस की ओर था। लिबिलाइफ की रिपोर्ट।